राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान की निंदा की है। सीएम गहलोत ने यह कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही केंद्र सरकार के साथ है और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बयान जारी कर कहा है कि वो पीएम मोदी के फैसलों के साथ खड़ी है। बावजूद इसके बीजेपी नेताओं की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की जा रही है जो अलोकतांत्रिक है। उन्होंने साथ ही कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार को सुझाव देना और कमियों को उजागर करना है जिससे सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सके और ऐसे में मजदूरों की परेशानी को देखते हुए उनके दुख में साथ खड़ा होना आखिर कहां गलत है। लेकिन जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की है वो गलत है। वहीं प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पर टिप्पणी करना सरकार की बौखलाहट का परिणाम है और इसीलिए पीएम मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब से कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली है तब से ही लगातार इस मुल्क के अंदर जो लड़ी लड़ी जा रही है वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों सब ने मिलकर के इस जंग के अंदर लड़ने का फैसला किया और पहली बार ऐसा दिख रहा है कि पक्ष और विपक्ष सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जिस प्रकार से कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको जंग के अंदर और प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तारीफ करी थी। मेरे समझ के परे हैं कि जिस रूप में राहुल गांधी ने स्टेप उठाए वार्न किया भारत सरकार को 12 फरवरी को ही कि कोरोना फैल सकता है मल्टीफोल्ड। जिस प्रकार से लॉकडाउन घोषित कर दिया अचानक उस अफरा तफरी मच गई देश के अंदर सारे लोग जहाँ जो गए हुए थे अपने काम धार्मिक यात्राओं में पर्यटन के रूप में काम धंधे में वो तमाम लोग वहाँ फंस गए। जिस प्रकार का व्यवहार हुआ मजदूरों के साथ में उसके कारण और भय के कारण भी इस महामारी पता नहीं किस रूप में आगे बढ़ेगी इस कारण से देश के मजदूरों ने मन में तय कर लिया कि हमें एक बार अपने गांव जाना है अगर मरने हैं तो गांव में मरेंगे। यहाँ तक लोगों के दिलों में भावना आ गई इसलिए उन्होंने किसी की नहीं सुनी निकल पड़े वो। अगर समय पर उनको वार्न किया जाता तो वो चले जाते ट्रेनों के अंदर। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा तो पैदल निकल पड़े। दुर्भाग्य से आप देख रहे कितनी घटनाएं हो रही कितने लोग मारे जा रहे रास्ते के अंदर एक्सीडेंट से भी और अन्य तरीकों से भी। ये दुखद दृश्य देखने को मिल रहा पूरे देशवासियों को पूरा देश विचलित है इसको लेकर के पूरे विश्व में हमारी बदनामी हो रही दुनिया के अंदर। और जिस प्रकार से ट्रेनें शुरू हुई कुछ प्रयास हुए तो ट्रेनों किराया लगने लग गए किराया तो सोनिया गांधी जी ने कहा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को आप बजाय इसके कि मजदूर की जेब से पैसा जाए कांग्रेस पार्टी इसको पैसा चुका है इसमें क्या बुरा था। राजनीतिक पार्टी हम अपना काम करती हैं अपने प्रोग्राम बनाती हैं उससे प्रेरणा लेकर के अन्य पार्टियाँ भी कर सकती थी। इसके बजाय जिस रूप में कल जब राहुल गांधी जी ने मुलाकात की मजदूरों से तो क्या वजह थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कोई इतनी बुकलट हो गई बिना कोई कारण के बिना कोई इमीडिएट प्रोवोकेशन के राहुल गांधी के खाली मजदूरों से मिलने मात्र से उनके हालचाल पूछने मात्र से उनके दिलों में घाव हुए उनको मरहम लगाने मात्र से वो इतनी बौखला गई कि पता नहीं वो क्या क्या कमेंट करी राहुल जी के बारे में और सोनिया गांधी जी के बारे में। मैं इसको कंडेम करता हूँ कोई कारण नहीं था। हम विपक्ष में हैं तो क्या हम अपना धर्म नहीं निभाएंगे। कोई कमेंट किया हो जाकर राहुल गांधी जी ने आलोचना की हो प्रधानमंत्री जी की किसी की
तब तो समझ में आता है आप कुछ भी कह सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, टिप्पणी कर सकती हैं बिना कोई कारण के। राहुल गांधी लगातार मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल से इंटरेक्शन कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं किस प्रकार से हम इस कोरोना जंग के अंदर अपनी भूमिका निभा सकते हैं, सरकार को हम सलाह दे सकते हैं। सरकार सलाह माने या नहीं माने उनके ऊपर है, पर सलाह देना विपक्ष का धर्म होता है। अगर वो कहे कि कोरोना बीमारी में लोग मारे जा रहे हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या क्या स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़नी चाहिए, जब वो ये कहें कि देश की इकोनॉमी बर्बाद हो रही, कॉलेप्स हो गई है, उस पर किस प्रकार हमें कदम उठाना चाहिए, अगर वो कहें कि सोशल कमिटमेंट पूरे होने चाहिए, जो गरीब आदमी हैं, असहाय है, डेस्टिट्यूट है, मजदूर हैं, उनके जेब में पैसे कैसे जाए, किस प्रकार उनके जेब में पैसा जाए सीधा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के माध्यम से, जिससे कि वो ऐसे वक्त में गुजारा कर सके। अगर ये तमाम राहुल गांधी अपनी बात कहते हैं तो किसी को बुरा माने, झूठ क्या है। राजनीति में, डेमोक्रेसी में ऐसे कॉमेंट आते हैं तो बाकी लोग भी प्रेरणा देते हैं, बाकी लोग भी अपने अपने तरीके से इमदाद करते हैं। जैसे अभी भामाशाह ने, दानदाताओं ने कोई कमी नहीं रखी, पूरे मुल्क के अंदर जिस रूप में लोगों ने आगे आकर के इमदाद करी है, गरीबों की, मजदूरों की, असहाय लोगों की, वो तारीफ़ के काबिल है। दुनिया जानती है कि इस देश के अंदर पक्ष विपक्ष मिलकर इस लड़ाई को, जंग को लड़ रहे हैं। ऐसे वक्त में अनावक शख्स जिस रूप में वित्त मंत्री ने कमेंट किए हैं, और तो और सोनिया गांधी जी के बारे में जो शब्द काम लिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनके बुकलाट का परिचायक है। वो सहन नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार की भूमिका सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की रही है इस पूरे जंग के दौरान में, और जिस प्रकार लोगों ने वेलकम किया उनके सलाह को, उनकी कमेंट्स को, उनके अप्रोच को, उससे बुखला करके मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से ये कमेंट करवाए गए हैं। ये बीजेपी की मानसिकता का परिचायक है। इसीलिए बिना वजह, बेवजह इस प्रकार से कमेंट करना, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी जंग के अंदर महामारी फैली हुई है, पूरा देश चिंतित है, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर थाली भर रही है, और क्या हम लोग सड़कों पर उतरे हुए जो लोग हैं, पैदल चल रहे हैं, बच्चों को गोदों में लिए हुए हैं, सिर पे गठरी रखे हुए, क्या हम अब भी नहीं रोक सकते उनको? क्या हम राज्य सरकार को सलाह नहीं दे सकते क्या? आप बसें लगाइए, कुछ भी कीजिए, इनको भेजिए इनको घरों पर आराम से। राजस्थान में हमने प्रयोग किया, जिस रूप में हमने कैंप बना दिए इनके लिए, कलेक्टर SDO को जिम्मेदार ठहरा दिया कि आप लोग देखें कोई व्यक्ति सड़क पर चलेगा, इमीडिएटली गाड़ी लगाएं, बस लगाएं, कैंपों में ले जाएं, खाना खिलाएं, उनकी देखभाल करें और उनको बॉर्डर पे छोड़ दें ले आकर के। अगर हमने इस व्यवस्था को ठीक किया है तो पूरे मुल्क में आज भी बजाय इसके कि आलोचना करें राहुल गांधी की, आपको चाहिए था कि आप किस प्रकार की व्यवस्था करने में विपक्ष का सहयोग चाहते हैं, उनसे बातचीत करते, किस प्रकार से हम सब मिलकर के मजदूरों के जो काफिले चल रहे हैं, इनकी बजाय उनको गाड़ियों में बिठा करके हम छोड़ने की बात करें। ट्रेनों से जाएंगे तो 6 महीने लगेंगे इनको, 6 महीने 8 महीने लगेंगे तब जाके जा पाएंगे। पैदल निकल पड़े हैं तो क्यों नहीं बस लगा करके हम इनको बेच सकते हैं? सब कुछ संभव है। पता नहीं इसकी तरफ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, क्या उनको फीडबैक नहीं मिल रहा है, क्या जरूरत पड़ गई कि निर्मला सीतारमण जी को बोलने की, इस प्रकार से अनावश्यक माहौल खराब करने क्या फ़ायदा है, ये मेरी समझ के परे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अब भी मौका है, इन मजदूरों का दुख जो है वो देखा नहीं जा रहा लोगों से, सब लोग विचलित हो रहे हैं। ऐसे वक्त में उद्योग धंधे भी चले, मजदूर घर जाके वापस भी आएंगे, अगर उनको हम लोग विश्वास दिलाएंगे कि सरकार आपके साथ खड़ी है। अभी वो इतने विचलित हो गए, इतने दुखी हो गए हैं, पैदल चलना 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर
मेरे ख्याल में इतिहास में कभी सुना नहीं मैंने। इस प्रकार के माहौल में देश में जो माहौल बना है, मैं समझता हूँ कि कोरोना की जंग लड़नी है तो मजदूरों का साथ चाहिए हमें, सभी धर्म सभी जाति सभी वर्गों के सहयोग चाहिए हम लोगों को, सभी पक्ष और विपक्ष पार्टियाँ राज्यों में हैं या केंद्र में हैं, सब मिलकर लड़े तब जा कर के हम कामयाब हो पाएंगे। मैं फिर कहना चाहूँगा जैसे हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने कहा है, हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी आपके साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, हम चाहेंगे कि जीवन पे जो संकट आया है उसका मुकाबला करें मिलके, जीवन पे भी और जीविका पे भी इस संकट का मुकाबला करने में हम सब मिलके चलें, ये उनका जो सपना है मैं समझता हूँ कि उनकी भावनाओं को समझेंगे और निर्मला सीतारमण जी को सलाह देंगे। इस प्रकार के ऊंचे कमेंट जो किए उन्होंने सोनिया जी के बारे में वो करने के बाद जाए, यही कहता मैं, उम्मीद करता हूँ कि सरकार आगे आएगी, कुछ कदम उठाएंगी जिससे कि गाड़ी पटरी वापस आ सके।